दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सीआरपीएफ एचसी मिश्र की अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट जीके हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन मुझे मिले उनके बेसिस पर ये कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और टीसीएस का एक ही फंडा है, जो स्टार्टिंग शिफ्ट के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करेंगे यहां से आपको 101% क्वेश्चन फंस जाएं और आप उसको गलत न करके आओ, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है भारत और उनके पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमाएं। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से मिलती हैं। पहला आता है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है? फर्स्ट आपका पश्चिम बंगाल, सेकंड है आपका त्रिपुरा, फिर है मेघालय, मिजोरम और असम। दोस्तों एक बार मैप और देख लेना, मैप से ये चीज़ें काफ़ी अच्छी क्लियर हो जाती हैं। दूसरा आता है चाइना यानी कि चीन। इसकी सीमाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं जम्मू और कश्मीर से, राजस्थान से, गुजरात और पंजाब से। नेक्स्ट देश आता है नेपाल। तो नेपाल की सीमाएं लगती है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट म्यांमार। तो म्यांमार की सीमाएं लगती हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। अगला देश है भूटान। तो भूटान की लगती हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, भूटान की सीमा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से लगती है? तो चार ऑप्शंस के अंदर से इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका मिलेगा। नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की केवल एक ही यहाँ पर राज्य से लगती है, जम्मू और कश्मीर से, ठीक है। तो सारे आपको याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया भारत के श्रीलंका दौरे से, जो कि आपका 2023 के अंदर हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की श्रीलंका के खिलाफ और श्रीलंका को कितने रनों से हराया है? तो ये हराया है 317 रन से और ये आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो डिटेल इसकी देख लेते हैं। भारत बनाम श्रीलंका तीसरा वनडे की बात करेंगे। स्थान क्या था? ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम कहां पर है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम के अंदर। नेक्स्ट भारत ने यहां पर कितने रन बनाए थे फाइनल थर्ड ओडीआई के अंदर? 390 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर। और श्रीलंका ने जवाब के अंदर 22 ओवरों में 73 रन बनाए थे और भारत ने ऐसे करके 317 रन से श्रीलंका को हरा दिया था। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो विराट कोहली यहां पर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। टोटल रन बनाए इन्होंने 166 रन। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो विराट कोहली यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। सीरीज की बात करें तो रिजल्ट क्या रहा यहाँ पर? भारत ने सीरीज जीत ली थी 3-0 से, क्लीन स्वीप कर दिया था श्रीलंका को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर दोबारा से पूछे जाएंगे नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट टीसीएस का फेवरेट टॉपिक जनगणना 2011। तो ये सारे क्वेश्चन आपके टीसीएस के द्वारा 2022 2023 के अंदर पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो हुई थी आपकी 1881 के अंदर। सेकंड, भारत में प्रत्येक में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, तो प्रत्येक 10 वर्षों में जनसंख्या जनगणना आपकी की जाती है। थर्ड क्वेश्चन है 2011, इंग्लिश वाले थोड़ा माफी देंगे यहाँ पर, बायलैंग्वल कंटेंट प्रिपेयर नहीं हो पाए क्योंकि समय कम था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो यह है पुडुचेरी का। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो यह है आपकी 74.04%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी हेनरी वाल्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 82.14%। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये रहेगा मिजोरम। आज पूछा गया था सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में आएगा आपका लक्षद्वीप और राज्यों के मामले में आएगा केरल। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। और ये क्वेश्चन आपका जीडी 2023 के अंदर ही पूछा गया है। नेक्स्ट 2011 और ये आज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही पूछा गया था।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो यह है 382 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? 2011 के अंदर जनगणना आपकी हुई थी, कितने चरणों में हुई थी? दो चरणों के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है बिहार की। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम रहेगा हरियाणा का। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो इसका स्थान है जनसंख्या के मामले में तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में जनसंख्या के संदर्भ में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है आपकी राजस्थान राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 65.46 डायरेक्ट डाटा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह रहेगा महाराष्ट्र। चलिए दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश के स्रोत का कितना प्रतिशत है? तो यह है 67.2 यानी 67.2%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम रहेगी बिहार की, सबको पता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साक्षरता दर के संदर्भ में 2001 और 2011 की जनगणना में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का स्थान समान यानी कि 11वां है? ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन क्या है साक्षरता संदर्भ में 2001 में और 2011? अच्छा, 2001 और 2011 में जो आपकी जनगणना हुई थी, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो था उसकी जनसंख्या समान थी? तो ये था हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि को के रूप में दर्ज किया गया, तो ये थी दशकीय वृद्धि आपकी 17.64%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में किस राज्य ने भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की? तो ये था केरल। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राज्यों का समूह यहाँ पर दिया गया था, सबसे कम रहेगी राजस्थान और बिहार के अंदर महिला साक्षरता दर कम। अगला क्वेश्चन है, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए समुदायों और उनकी कुल जनसंख्या का सही प्रतिशत में प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्प का चयन करने हैं। तो हिंदू है यहाँ पर 79.8%, मुस्लिम है 14.2%, ईसाई है यहाँ पर 2.3%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों, किशोरों का मतलब 10 से 19 वर्षीय आयु के किशोर का हिस्सा लगभग कितना पाया गया है? तो किशोर रहेंगे यहाँ पे 20.9% 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कुल कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 3 गुना से अधिक, ये आपका दे रखा था ऑप्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश उच्चतम पुरुष और महिला साक्षरता दर के मामले में सबसे पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर रहेगा केरल, पुरुषों की बात करें और महिलाओं की बात करें तो साक्षरता दर के मामले में केरल प्रथम स्थान पर रहेगा। नेक्स्ट, भारत की जनगणना द्वारा आयोजित अशोधित साक्षरता दर की गणना के लिए सही सूत्र की पहचान करें? तो यह है साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या बटे में कुल जनसंख्या गुणा 100। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा साक्षरता दर निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष कब आयोजित की गई थी? तो की गई थी 1872 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता दर के बीच में अंतर कितना है? तो यह है 8.5%। फास्टली करवा रहा हूँ, थोड़ा समय की कमी है। अगला क्वेश्चन, भारत की थोड़ा नीचे कर लेते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है? केंद्र शासित प्रदेश बताना आपको यहाँ पर, जहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर है, तो यह है दादरा और नगर हवेली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की जनगणना आयोजित करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो यह है महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में दशकीय वृद्धि का उच्चतम प्रतिशत दिखाया है? दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है मेघालय राज्य के अंदर।
अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? केंद्रशासित प्रदेश आपको बताना है तो यह अंडमान और निकोबार। राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपका रहेगा। चलिए अब आया था यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपका DPHCM 2022 के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये खबरों में था, तो ये रहेगा पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका DPHCM के अंदर ही पूछा गया था, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये भी न्यूज में था उस टाइम पर, भोपाल के अंदर रहेगा, मध्य प्रदेश। चलिए अब और कुछ देखते हैं जो न्यूज के अंदर थे। हाल ही में सुर्खियों में रहे विराचे राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो विराचे राष्ट्रीय उद्यान रहेगा आपका कंबोडिया के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर रहेगा, अफ्रीका से यहां पर चीते लाए गए थे, तो ये न्यूज के अंदर था। नेक्स्ट, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश में स्थित है? तो केवला देव आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे जिनसे रिलेटेड मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर सारे करवा दिए हैं, और यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। TCS का एक ही फंडा रहता है, जो स्टार्टिंग की शिफ्ट रहती है, वो क्या करते हैं क्वेश्चन बैंक अपना क्रिएट करते हैं एक टॉपिक का, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर डालते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ये ही हो गया आपका भारत और उनसे पड़ोसी राज्यों पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमाएं, ठीक है। तो पहले शिफ्ट के अंदर चाहिए भूटान का डाल दिया, नेक्स्ट के अंदर डाल देंगे म्यांमार का। तो इस प्रकार से वो कंटेंट क्रिएट अपना करते हैं सभी शिफ्टों के अंदर, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करना है भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंग्लिश वाले थोड़ा सा माफ।